तो शेयर बाजार में काम करना और गाड़ी चलाना, ये दोनों चीज़ें एक जैसी है। गाड़ी चलाना सीखने से पहले आप एक एक्सपीरियंस पर्सन को मिलते हो, उसके पास से गाड़ी चलाने के हर एक पैरामीटर को समझने की कोशिश करते हो। गाड़ी के हर एक पैरामीटर क्या होते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे वर्क करता है, एक्सेलरेटर कैसे काम करता है, क्लच का काम क्या होता है, ब्रेक कैसे लगती है, हैंड ब्रेक कैसे लगता है, इंडिकेटर्स कैसे चलते हैं, ये सब चीज़ें सीखने के बाद आप गाड़ी चलाना सीखते हो। गाड़ी चलाना सीखने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। एक्सपीरियंस 7 से 8 महीने 10 महीने तक गाड़ी को रेगुलर चलाने के बाद ही आपको मिलता है, यानी कि उसी के बाद आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर कहे जा सकते हो। तो इसी तरह से मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में काम करना शुरू करने से पहले आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ बात करनी होती है, या फिर एक्सपीरियंस पर्सन के पास से आपको सीखने की जरूरत होती है। वहां से आपको स्टॉक मार्केट के हर एक पैरामीटर को समझने में मदद मिलती है। स्टॉक मार्केट के हर एक पैरामीटर क्या होते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, कॉल पुट कैसे काम करते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स का काम क्या होता है, डेल्टा गामा वेगा थेटा ऑप्शन के प्रीमियम पे क्या इम्पैक्ट करता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का काम क्या होता है। तो ये सब चीजें समझने के बाद आप किसी भी एक स्ट्रेटेजी को लंबी अवधि तक फॉलो करना शुरू करते हो तो वहां पर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। प्रॉफिट आने का मतलब है आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो। एक्सपीरियंस ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई भी स्ट्रेटेजी को लंबी अवधि तक फॉलो करना जरूरी होता है। लंबी अवधि का मतलब है आप जब 2 से 3 या 4 साल तक उस स्ट्रेटेजी पे काम करते हो तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हो। इन शॉर्ट, हैज है तो कैश है और कैश है तो ऐश है।